दोस्तों, दिलीप कुमार यानी दिलीप साहब अभिनय की दुनिया के कोहिनूर कहे जाते हैं। अगर किसी को अभिनय का सम्राट कहा गया है सबसे पहले, तो वो दिलीप साहब के लिए ही उपाधि दी गई थी। लेकिन उस दिन शूटिंग के वक्त दिलीप साहब को भी ये देखकर चौंकना पड़ा कि भाई ये कौन एक्टर है। बड़ा ही मज़ेदार किस्सा है। बात 1968 की है, जब संघर्ष फिल्म की शूटिंग चल रही थी। संघर्ष फिल्म दिलीप कुमार, वैजंती माला, बलराज सानी, जयंत सप्रू, बड़े बड़े दिग्गज कलाकारों के साथ फिल्म शुरू हुई। और ऐसे ही एक छोटे मोटे किरदार के लिए, एक रोल के लिए नया लड़का चाहिए था। पहले ये रोल राजकुमार को दिया गया, लेकिन राजकुमार ने दिलीप कुमार का नाम सुनते ही फिल्म करने से मना कर दिया कि मैं ऐसे छोटे मोटे रोल नहीं करता। बहुत थक हार कर, क्योंकि किरदार बड़ा दमदार था, इसमें एक ऐसा मंझा हुआ एक्टर चाहिए था जो दिलीप कुमार के साथ सीन कर सके। उस ज़माने में, आज आपको ये बात बड़ी ही हल्की लगे, लेकिन 1968 में दिलीप कुमार का एक दबदबा था, एक रुतबा था। अभिनय में वो एक कील ठोक चुके थे अपने नायाब हुनर की। उनके सामने सीन करना, बड़े बड़े एक्टरों के पसीने छूटते थे। और किसी नए कलाकार को बोला जाए कि आज तुम्हारा दिलीप कुमार के साथ सीन है, तो मुझे लगता नहीं कि उनको रात को नींद आ जाए। लेकिन बड़ा ढूंढ के थिएटर की दुनिया से एक कलाकार निकाला गया, जिसका नाम था संजीव कुमार। संजीव कुमार के दिलीप कुमार के साथ बड़े ही तगड़े सीन थे। किरदार छोटा था, लेकिन दो तीन सीन में उनका टकराव था। अब चूंकि डायरेक्टर के ऊपर दबाव रहता है कि बड़े हीरो के साथ अगर सपोर्टिंग कोई रोल है तो वो भी दमदार एक्टर होने चाहिए, वरना सेट पे 3-4 रीटेक हुए और किसी बड़े स्टार का मूड खराब हुआ तो बस शूटिंग बंद होना पक्का है। डायरेक्टर को 2 मिनट में सुना देते हैं कि अरे किस एक्टर को पकड़ लाया यार, मेरा टाइम वेस्ट करवा दिया। उस फिल्म के डायरेक्टर थे HS रवेल, हरनाम सिंह रवेल, बहुत बड़े नाम उस जमाने के डायरेक्टर। फिल्म के प्रोड्यूसर भी वही थे। फिल्म के डायलॉग लिखे थे अबरार अलवी और गुलजार साहब ने। इतने बड़े स्टार कास्ट के साथ फिल्म शुरू होना और सेट पे उस दिन फिल्माया गया वो दृश्य दिलीप साहब को बहुत अच्छे से याद है। वह यूं कि जैसे ही शॉट शुरू हुआ और संजीव कुमार और दिलीप साहब की टक्कर हुई, 2-4 शॉट होते ही दिलीप साहब बड़े चौकन्ने हो गए कि यार ये क्या है, ये क्या बला है। बहरहाल 3-4 शॉट होने के बाद लंच ब्रेक हो गया। 2 बजे जैसे ही लंच ब्रेक हुआ, उस जमाने में भी यही बात थी, आज भी यही है, बड़े स्टार, सुपरस्टार, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, 3-4 गिनती के लोग बैठकर लंच में अलग टेबल पर बड़े शाही तरीके से लंच करते हैं। बाकी के सपोर्टिंग कैरेक्टर हैं, छोटे मोटे किरदार हैं या थोड़े बहुत भी बड़े स्टार हैं, वो सब अलग बैठ के खाना खाते हैं। यही चलन आज भी है। शाहरुख खान की और अक्षय कुमार की अगर फिल्म की शूटिंग चल रही है तो डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, हीरो, हीरोइन, 3-4 लोग ही एक टेबल पर होंगे, बाकी सभी सपोर्टिंग कास्ट, सहायक कलाकार सब अलग। अब दिलीप साहब 3-4 शॉट देने के बाद डायरेक्टर के साथ जैसे ही लंच करने बैठे, उनसे रहा नहीं गया ये पूछे बगैर, अरे रवेल साहब, ये जो बूढ़ा सा आदमी है ये बड़ा अच्छा है, कहाँ से लाए हो इसे। तो रवेल साहब ये सुनते ही बड़े ज़ोर से हंसे। दिलीप साहब चौंकने के, अरे हंसने की क्या बात है इसमें, अरे दिलीप साहब, जिसे आप बूढ़ा सा आदमी कह रहे हैं, एक्चुअल में वो सिर्फ 29 साल का लड़का है। उसके मेकअप और उसके गेटअप से आपको लग रहा है कि वो बूढ़ा आदमी है। दिलीप कुमार को अंदाज़ा नहीं हुआ कि ये क्या कह रहे हैं, लेकिन बात सच थी। 3-4 दिन शूटिंग और चली और दिलीप साहब के मुंह से ये बात निकले बगैर रही नहीं कि यार ये लड़का बहुत आगे जाएगा, इसमें दम है, इसके अभिनय में कुछ अजीब सी एक बात है। इतने कायल हुए संजीव कुमार की एक्टिंग को देखकर कि वो डायरेक्टर की पीठ पर थपथपाकर शाबाशी देने से चूके नहीं, ये बड़ा अच्छा तुमने एक्टर निकाला है। बहरहाल 3-4 दिन की शूटिंग चली और देखिए क्या दृश्य होगा। वो 3-4 दिन तक दिलीप कुमार, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर बैठ के सब खाना खा रहे हैं, लेकिन 4-5 दिन होते होते दिलीप कुमार इतने मोहित हुए संजीव कुमार की एक्टिंग को देखकर कि 4th दिन उन्होंने बुलावा भेज दिया डायरेक्टर को, यार वो जो लड़का है वो सीन कर रहा है, क्या नाम है उसका, संजीव कुमार, बुलाओ उसको, लंच पे हमारे साथ बैठ के खाना खाएगा। डायरेक्टर चौंक गए, अरे सर वो नया लड़का है, कोई बात नहीं बुलाओ, आज नया है लेकिन एक दिन वो स्टार बनेगा और हमें फ़ख्र से उसके साथ बैठकर खाना खाना पड़ेगा, याद रखना मेरी बात। दिलीप कुमार के मुँह से निकले हुए वो अल्फाज शायद ऊपर वाले ने सुने। संजीव कुमार को बुलावा भेजा गया एक बार तो उन्हें विश्वास नहीं हुआ कि दिलीप साहब ने बुलाया है लंच पर, उनकी टेबल पर, उनके साथ बैठ के लंच करना पड़ेगा। लेकिन दिलीप साहब का बुलावा था, गए, लंच किया और बाकी की सारी शूटिंग में
लंच के वक्त हर बार संजीव कुमार दिलीप साहब के साथ बैठते। दिलीप कुमार बड़े प्यार से उन्हें अपने पास बिठाते क्योंकि वो जान चुके थे कि ये लड़का एक दिन बड़ा स्टार बनेगा। और हुआ ये भी, खुदा ने उनकी आवाज़ सुनी और संजीव कुमार आगे चल के इतने बड़े स्टार बने कि दिलीप साहब की जितनी भी घरेलू पार्टीज होती थी, जितने भी घरेलू फंक्शन होते थे, उनमें बड़े चाव से उन्हें बुलाया जाता था और वो जाते थे, शिरकत करते थे। बहुत अच्छा उनका गहरा दोस्ताना रहा आगे चलकर। लेकिन देखिए कैसे एक दिग्गज कलाकार भांप जाते हैं गुदड़ी के लाल को, जिसे कहते हैं कि पूत के पग पालने में दिख जाते हैं। दो चार शॉट्स होते होते वो समझ गए कि यार ये लड़का बड़ा होनहार है और वो आगे चलकर संजीव कुमार बना। वाह, संघर्ष फिल्म के सेट पर वो जो यादगार दृश्य फिल्माया गया, कैसे एक बड़े फनकार ने एक नए कलाकार का स्वागत किया, दिल खोल के स्वागत किया और वो कलाकार संजीव कुमार बना। बड़े लोगों की बात ही कुछ और है। कोई भी अच्छी नायाब हुनर सामने आती है, हुनरबाज सामने आता है, तो उसकी कदर किए बगैर, दिल खोल के उसका स्वागत किए बगैर रहते नहीं हैं। बड़े लोगों की यही निशानी है। आज दोनों कलाकार इस दुनिया में नहीं हैं, लेकिन उनकी कला, उनका नाम, जो शोहरत उन्होंने पाई है, जो मुकाम उन्होंने हासिल किया अपनी मेहनत के दम पर, वो हमेशा हिंदी सिनेमा में जिंदा रहेगा। सलाम है ऐसी शख्सियत को। धन्यवाद।